अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। हमने चेंज करना है फ्रैक्शन को डेसिमल में। हमें फ्रैक्शन गिवन होगी और हमने उसको डेसिमल में चेंज करना है। अब फ्रैक्शन किस तरह होती है? फ्रैक्शन होती है 5/6, जैसे मैंने ये लिखी, इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन। इसमें न्यूमेटर और डिनोमेटर होगा, ये है फ्रैक्शन। और अब डेसिमल किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कोई वो नंबर जिसमें पॉइंट होगा, जैसे 0.72, ये नंबर मैंने लिखा है, इसे हम कहेंगे डेसिमल। ऊपर फ्रैक्शन और ये डेसिमल नंबर। और अगर मैं अगर मैं इस तरह लिखूँ 26, तो इसको हम कहेंगे होल नंबर। ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल नंबर और ये होल नंबर है। अब हमने क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन गिवन होगी और हमने उसको डेसिमल में चेंज करना है। तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ फर्स्ट खुद से। 7/5 अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हमने डेसिमल में किस तरह चेंज करेंगे? हमने इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू 7 उसको हम अंदर रखेंगे और जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको हम बाहर रखेंगे। ऊपर नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको हमने अंदर रखना है और नीचे वाले को बाहर रखेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको हमने फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज करें। अब 5 का टेबल पढ़ना है कि 7 आए, तो 5 1 5 हम करेंगे, छोटी वैल्यू लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 7 में से 5 माइनस किया तो 2। अब 2 तो जो है वो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हमने डेसिमल में आंसर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन में एक पॉइंट लगाएंगे खुद से। अब पॉइंट लगाने के बाद नीचे हम खुद से 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 के साथ 0 लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब 2 है वो 20 बन गया। अब हमने 5 का टेबल पढ़ना है कि 20 आए, तो 5 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 4 20, तो हम 4 लिखेंगे, 5 4 20। और अब 20 में से 20 माइनस किया तो 0, तो हमारे पास डेसिमल में क्या आंसर आया, 1.4। 7/5 फ्रैक्शन थी, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो हमारा आंसर आया 1.4। तो हम लिखेंगे आंसर 1.4। हमने ये फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया है डिवाइड करके। डिवाइड करेंगे हम, उसके बाद डिवाइड करके हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर देंगे। आपने ये माइंड में रखना है, जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमने डिवाइड करना है। अब मैं एक और एग्जांपल बता रही हूँ आपको। ये फ्रैक्शन है हमारे पास 4/5। अब इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में पॉइंट में कैसे चेंज करना है, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे और ऊपर न्यूमेटर उसको 4 को अंदर और 5 डिनोमेटर उसको बाहर रखेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 के टाइम में 4 नहीं आता, 4 से बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम अब शुरू में पॉइंट लगा लेंगे, स्टार्टिंग में पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और यहाँ पे होल नंबर कुछ नहीं तो हम 0 लगा देंगे, 0 पॉइंट। अब 5 के टेबल हमने पढ़ना है कि 40 आई, 4 अब 40 बन गया, 5 8 40 होगा, तो हम 5 8 40 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे पास इसको डिवाइड करके आंसर क्या आया है, 0.8। 4/5 फ्रैक्शन थी, उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, डिवाइड किया, तो हमारे पास 0.8 आंसर है। ये स्टार्टिंग में 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम नहीं भी लिखेंगे उसको 0.8 फिर भी ठीक है, लेकिन अब होल नंबर कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। अब ये आंसर हमारा बन गया 0.8। फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में चेंज किया तो आंसर है 0.8। डिवाइड करके इसको करेंगे, 4/5 फ्रैक्शन थी, 4 को अंदर रखेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर उसको बाहर रखना है आपने, ये माइंड में रखना है। अब एक लास्ट एग्जांपल बता रही हूँ आपको मैं, ये है 7/4। ये एक फ्रैक्शन गिवन है हमारे पास, इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है। अब हम इसके लिए डिवाइड करेंगे, 7 को अंदर रखेंगे और 4 को बाहर। ऊपर न्यूमेरेटर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको हमने अंदर रखना है और डिनोमेटर को बाहर। अब हम 4 का टेबल पढ़ना है कि 7 आए या उससे छोटी वैल्यू, तो 4 1 4, 4 2 8 बड़ा होगा, तो हम 4 1 4 करेंगे, 7 में से 4 माइनस किया तो 3। अब 3 तो छोटा है 4 से, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन में पॉइंट लगा लेंगे और नीचे 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा के पॉइंट पुट करके 0 लगा लेंगे। अब 4 का टेबल पढ़ना है कि 30 आए या उससे छोटी वैल्यू आए। 4 के टेबल में 4 7 28 और
फोर एट ज़ा 32, वो बड़ा हो जाएगा तो हम 4 7 ज़ा 28 करेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 30 में से अगर हम 28 माइनस करें तो आंसर आएगा 2। अब 2 भी 4 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम अब दोबारा पॉइंट नहीं पुट करेंगे, हम एक दफ़ा पॉइंट पुट किया हुआ है तो हम इसके साथ एक और ज़ीरो लगा सकते हैं, दोबारा से ज़ीरो लगा लेंगे तो हम एक ज़ीरो लगा लेंगे। पॉइंट हमने ऑलरेडी पुट किया हुआ है उसके साथ एक दो पॉइंट पुट करके हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी, नेक्स्ट स्टेप में भी। अब 4 का टेबल पढ़ना है कि 20 आए तो 4 5 ज़ा 20, माइनस करेंगे तो 0। अब हमने इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन कन्वर्ट किया तो आंसर क्या बन गया, 1.75। यह है डेसिमल में आंसर, फ्रैक्शन से हमने डेसिमल में चेंज कर दिया डिवाइड करके। एक दफ़ा पॉइंट पुट करके हम 2 स्टेप में या हर स्टेप में हम जब चाहें तो हम 0 पुट कर सकते हैं। अब 7/4 फ्रैक्शन थी, इसको हमने डिवाइड किया, 7 को अंदर रखना है और 4 को बाहर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, ये है 1/25, ये आपकी बुक से बता रही हूँ मैं आपको। तो अब हम इसको, हम ये फ्रैक्शन है इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, तो इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, यस डिवाइड करके। अब हम अंदर रखेंगे 1, न्यूमीटर चाहे छोटा है या बड़ा उसको अंदर रखेंगे, और बाहर 25 जो डिनोमिनेटर है। अब 25 के टाइम में 1 नहीं आता, 1 उससे बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे और 0 पुट कर देंगे, स्टार्टिंग में भी 0 लगा लेंगे। अब हम 25 के टेबल में 10 भी नहीं आता, 10 भी उससे बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और 0 साथ ऐड कर सकते हैं ताकि वो उससे बड़ा बन जाए, हम एक और 0 ऐड कर देंगे तो वो 100 बन गया। अब हमने 2 0 एक साथ पुट किए हैं तो ऊपर हम एक 0 लगाएंगे, जिससे हम डिवाइड के क्वेश्चन करते थे, जब हम 2 डिजिट एक साथ ब्रिंग डाउन करते हैं तो ऊपर हम 0 लगाते हैं ना, यहाँ पे अभी हमने 2 0 एक साथ पुट किए हैं तो ऊपर हम 0 पुट करेंगे, ऊपर हम 0 लगाएंगे। अब 25 का टेबल पढ़ना है हमने कि 100 आए तो 25 4 ज़ा 100, हम इसको अब माइनस करेंगे, 100 में 100 माइनस किया तो 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन 1/25 थी, ये डेसिमल में किसके इक्वल है, ये हमारे पास आंसर है 0.04। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास 3/20, ये फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमने डेसिमल में पॉइंट में चेंज करना है, तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमिरेटर है 3 उसको अंदर रखेंगे, चाहे वो छोटा या बड़ा उसको अंदर रखेंगे, और डिनोमिनेटर 20 उसको बाहर रखेंगे। अब 20 का टेबल पढ़ना है हमने कि 3 आए या उससे छोटी वैल्यू आए, तो 20 के टेबल में 3 नहीं आता, हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 30 बन जाएगा। अब 20 का टेबल पढ़ना है कि 30 या उससे छोटी वैल्यू आए, तो 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, वो बड़ा हो गया तो हम 21 ज़ा 20 करेंगे, 21 ज़ा 20, और माइनस करेंगे तो 0 में से 0 0, 3 में से 2 1। अब 10 इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम एक 0 साथ ऐड कर लेंगे, एक दो हमने पॉइंट पुट किया था उसके बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं, एक दो पॉइंट पुट किया हम जब हमें चाहिए हम 0 ऐड कर सकते हैं। अब 20 का टेबल पढ़ना है कि 100 आए, तो 20 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 25 ज़ा 100, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ज़ा 100 होगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 0, अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम लिखेंगे 3/20 फ्रैक्शन किसके इक्वल थी डेसिमल में, 0.15। इसको हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया है। आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं फ्रैक्शन से डेसिमल में, आपने ये माइंड में रखना है कि हम फ्रैक्शन से डेसिमल डिवाइड करके चेंज करेंगे और पॉइंट पुट करने के बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं। आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, आपने ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ के इन 2 क्वेश्चन की रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।